Hey everyone and once again welcome to Facebook Ads Course. Myself Umar Taskeer. Guys, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस टाइप से हम लोग स्क्रैच से कैंपेन सेट कर सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो भी हमारे लेवल्स हैं, चाहे वो हमारे कैंपेन लेवल हो या फिर हमारा एड सेट लेवल हो या फिर एक्चुअल जो हमारा जहां पर हम एड क्रिएट करते हैं, यानी कि हमारा जो एड क्रिएटिव होता है और जो हमारा एड लेवल होता है उसकी अगर हम बात करें, तो इन तीनों ही लेवल्स को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखने वाले हैं स्क्रैच से कैंपेन किस तरीके से हम लोग सेट कर सकते हैं. फाइन, तो इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे. तो हमें कुछ सिनेरियोज यहाँ पर अज्यूम करने पड़ेंगे. लेट्स से जो सिनेरियो है वो ये है कि हम एक ट्रैफिक कैंपेन रन कर रहे हैं. ठीक है, हम अलग अलग टाइप के कैंपेन्स रन कर सकते हैं. जब हम ट्रैफिक कैंपेन की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग ट्रैफिक जो है या ऑडियंस जो है उनको हम लोग अपने क्रिएटिव दिखाएंगे. क्रिएटिव अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है. क्रिएटिव एक सिंगल इमेज हो सकती है, क्रिएटिव एक सिंगल वीडियो हो सकता है, राइट, या फिर कराउजल्स हो सकते हैं. कराउजल्स में मल्टीपल जो आप देखते हैं कराउजल जो पोस्ट होती हैं जहाँ पर मल्टीपल इमेजेस होती हैं या मल्टीपल वीडियोस होते हैं, कुछ इमेजेस कुछ वीडियोस होती हैं, इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, राइट. कराउजल्स हो सकती हैं, सिंगल इमेजेस सिंगल वीडियोस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. फाइन, तो हम लोग एक ट्रैफिक कैंपेन रन करेंगे और यहाँ पर हम ट्रैफिक जो है वो भेजते हैं बेसिकली एक वेबसाइट के ऊपर, या इसको हम जो है और अच्छे तरीके समझना चाहें तो हम लैंडिंग पेज बोल सकते हैं. हम लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक भेजते हैं. तो किस तरीके से इस चीज़ को करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं इस चीज़ को एक एक करके. ठीक है, तो यहाँ पर गाइज मैंने बताया ट्रैफिक कैंपेन है. फाइन, ये मेरा ट्रैफिक कैंपेन हो गया. अब मुझे इसको एक नेम देना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे ये ट्रैफिक कैंपेन है. ठीक है, फॉर लाइक बैंक की जो तैयारी करें, या हम लोग किस टाइप के ऑडियंस वगैरह को सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पर चीज़ें लिख सकते हैं. ये ट्रैफिक कैंपेन है फॉर लाइक यूट्यूब. ठीक है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करने के लिए, हमारे कोर्सेज के लिए जो है ये ट्रैफिक कैंपेन है. तो फॉर कोर्सेज मैं इस टाइप से, तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप लिख सकते हैं. ठीक है, ट्रैफिक कोर्सेज के लिए है. ठीक है, किसने क्रिएट किया है उसका नाम आप लिख सकते हैं, इफ़ मल्टीपल पीपल आर वर्किंग ऑन सेम जो अकाउंट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और कब क्रिएट किया ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. फाइन, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, लेट्स से अगर आज डेट है 1st मार्च एग्जाम्पल के तौर पर, तो 103 इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ. राइट, नाउ यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, नीचे हम लोगों को आना है. ए बी टेस्ट वगैरह से हम लोगों को कुछ भी अभी नहीं करना है. सीबीओ भी हमें नहीं इंप्लीमेंट करना है क्योंकि ये सारी बात की स्ट्रैटेजीज है. राइट, न्यू एड सेट में हम कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोल्ड ऑडियंस को हम लोग टारगेट कर रहे हैं. राइट, कोल्ड ऑडियंस को. और यहाँ पर जो मैं ऑडियंस सेलेक्ट कर रहा हूँ वो है डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट वाली ऑडियंस. ठीक है, या कोल्ड ऑडियंस इंटरेस्ट बेस्ड, राइट, डिजिटल मार्केटिंग की. ठीक है, लोकेशन भी मैं ले लेता हूँ इंडिया. ठीक है, कंप्लीट इंडिया को हम टारगेट करें. तो ये फॉर्मेटिंग जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप से यहाँ पर फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं. ट्रैफिक हम कहाँ भेजना चाहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि जब हम कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे थे तो उस वक्त हमारे पास ऑप्शन था कि हम ट्रैफिक सेलेक्ट करें, एंगेजमेंट सेलेक्ट करें, अलग अलग ऑप्शन थे. तो अगर हमने ट्रैफिक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, विच मीन्स दैट कि हम ऐड दिखाना चाहते हैं लोगों को, उसके बाद वो जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे. वो कहाँ जाएंगे, ये ऑप्शंस आप देख सकते हो. उन्हें आप वेबसाइट पे भेजना चाहते हो, या अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, ऐप है अगर आपकी, उस पे भेजना चाहते हो, या मैसेंजर पे जो फेसबुक का मैसेंजर होता है वहाँ उनको रिडायरेक्ट करना चाहते हो, या व्हाट्सएप पे. तो हम वेबसाइट के ऊपर रखेंगे, इसके पीछे भी रीज़न होता है क्योंकि वेबसाइट से हम रीमार्केटिंग कर सकते हैं बाद में. तो मैंने वेबसाइट सेलेक्ट कर रखा है. ऑफर और डायनेमिक क्रिएटिव्स को हम अभी ऐसे ही छोड़ सकते हैं. दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है. लेट्स से मैं अगर यहाँ पर 500 रुपीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ आज डेली बजट, मेरे पास स्कोप है कि मैं लाइफ टाइम बजट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर शो मोर ऑप्शन है जो अभी रिक्वायर्ड नहीं है. तो यहाँ पर मैं एक ऑडियंस सेलेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, तो लोकेशन हमारी इंडिया है. एज ग्रुप हम चाहें तो 18 to 45 रख सकते हैं यहाँ पर, 45. जेंडर जो है हम लोग यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे जो बाई डिफ़ॉल्ट है. और यहाँ पर मुझे उस ऑडियंस को टारगेट करना है जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखती है. फाइन, मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाली ऑडियंस को टारगेट कर लूँगा. राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको हमने टारगेट के लिए. यहाँ पर आपको एस्टिमेशन वगैरह सारा मिल जाएगा और उसके बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ जाते हैं. अगर हमें ऐसा लगता है कि मुझे इस जो हमारा क्रिएटिव है उन्हें किसी एक ही जगह पर जो है वो दिखाना है, तो फिर हम यहाँ से एडिट प्लेसमेंट्स कर सकते हैं. हम चाहते हैं कि हमारा ऐड कुछ ही जगहों पर दिखे, जैसे फेसबुक के ऊपर केवल दिखाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं दिखाना चाहते, तो वो कंट्रोल हमारे पास होता है मैनुअल प्लेसमेंट का. अदरवाइज यहाँ पर आप ऑटोमेटेड इसको रख सकते हो. इसमें जो होगा, जो बेस्ट जो भी होगा वो फेसबुक खुद ही डिसाइड करेगा. राइट, इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से रखते हैं. नेक्स्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम ऐड क्रिएट करेंगे. अब आपका ऐड कौन सा है,
लेट्स से आपका कोई वीडियो ऐड है या आपका इमेज ऐड है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इमेज ऐड नंबर वन, राइट। किस पेज, जो पेज होगा वो कौन सा होगा जिससे आपके एड्स रन करें, क्योंकि अगर आप फेसबुक के ऊपर जाएं, लेट्स से मैं अगर यहाँ पर फेसबुक के ऊपर आता हूँ जैसे, तो जब कभी आप कोई ऐड देखते हैं, जैसे मैं नीचे आता हूँ राइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक डील पॉइंट का एक ऐड है, स्पॉन्सर्ड जो यहाँ पर शो कर रहा है, विच मीन्स दैट ये एक ऐड है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पेज होता है, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करूंगा, डील पॉइंट इज बेसिकली आप पेज, तो आप किस पेज से ऐड रन कर रहे हैं, क्योंकि ऐड्स रन करने के लिए ऐड अकाउंट के साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज पेज, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक डील पॉइंट का जो पेज है, ठीक है, इससे ऐड ये वाले रन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ जो है इमेजेस वगैरह या वीडियो है, दिस इज बेसिकली अ वीडियो, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ वीडियो। फाइन, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ एक बार। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पेजेस की जरूरत पड़ती है। वापस आ जाते हैं, मैं अपना पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से WsCubeTech, और उसके साथ जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये हमें अलग अलग ऑप्शंस दे रहा है कि हम सिंगल इमेज या वीडियो को ऐड एज ऐड चलाना चाहते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ सिंगल वीडियो, ये एक सिंगल वीडियो है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहीं पर क्या हमें क्राउजल दिख रहा है, जहाँ पर आपको मल्टीपल वीडियोज या मल्टीपल इमेजेस दिखती हैं जिनको आप स्वाइप कर सकते हो, दैट इज बेसिकली क्राउजल, राइट। तो उनके भी एड्स हैं, आप चाहो तो उनसे रिलेटेड एड्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। फाइन, नीचे आते हैं हम लोग, देख लेते हैं एक बार कि कहीं पर हमें दिख रहा है क्या। नहीं गाइस, हमें कहीं पर नहीं दिख रहा है अभी, कोई बात नहीं, कभी कभी वो एड्स दिखते हैं, कभी कभी वो एड्स नहीं दिखते हैं। इस वक्त में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो एड्स नहीं रन कर रहे हैं, वीडियो एड्स ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो लोग वीडियो एड्स इस वक्त ज़्यादा रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए सिंगल इमेज, राइट। एंड अगर आप कराउजल की तरफ जा रहे हैं तो आप डिसाइड कर लें कि कराउजल्स आप अच्छे उसी टाइप से बनाएं। फाइन, तो मैं सिंगल इमेज को मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर, राइट। सिंगल इमेज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐड करता हूँ, तो सिंपल है कि अगर आपके सिस्टम में कुछ है तो सिंपली आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, राइट। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है बहुत सारी इमेजेस, तो इसलिए आपको यहाँ पर इस ऐड अकाउंट के अंदर इतनी इमेजेस दिख रही हैं, राइट। मैं बिजनेस इमेजेस यूज़ कर सकता हूँ, मेरे जो इंस्टाग्राम की इमेजेस हैं मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ, राइट। मैं इंस्टाग्राम इमेजेस सेलेक्ट करूँगा तो जो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की इमेजेस होंगी, राइट, मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो हमने बड़ी सारी इमेजेस जो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर रखी है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, वो सारी इमेजेस मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं उनमें से कुछ सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं अकाउंट इमेजेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट देख रहे थे आप अकाउंट इमेजेस ही यहाँ पर आपको दिख रहा था, पेजेस की इमेजेस जो है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो WsCubeTech पेज की इमेजेस हैं, उसके ऊपर जो आपने पोस्ट वगैरह करी है वो इमेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं अकाउंट इमेजेस कर लेता हूँ, यहाँ से जो भी आप अपलोड करेंगे वो अकाउंट इमेजेस में आ जाएंगी। तो यहाँ से लेट से मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, राइट। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम लोगों ने जो टारगेटिंग सेलेक्ट करी उसी के अकॉर्डिंग हमें रखना है इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये एक इमेज सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी हम इसको क्रॉप कर सकते हैं क्या, या हम इसको कैंसिल करके दूसरी इमेज कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीव्यू वगैरह भी दिखेगा, ठीक है। मैं चेंज मीडिया कर देता हूँ, मैं दूसरी इमेज सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक और इमेज है हमारे पास, यहाँ पर एक और इमेज है, राइट। ये भी बहुत सारी इमेजेस हैं हमारे पास, मैंने डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस सेलेक्ट करी है। तो एक बार देखते हैं ये वाली जो इमेज है ये हमारे यूज़ आ सकती है कि नहीं, कुछ नया सीखना चाहते हैं घर बैठे, ठीक है, फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल्स है, ठीक है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, वर्डप्रेस, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इट इज़ कराउजल, आई बिलीव कराउजल नहीं, सिंगल इमेज है, ठीक है, सिंगल इमेज ये सेलेक्ट हो गई। बट यहाँ से मैं बाकी चीज़ों को एक बार गाइस क्या करता हूँ, मैं इसको वापस जो है चेंज करता हूँ, ठीक है, और लेट्स से मैं कोई और इमेज सेलेक्ट करता हूँ, इससे यही वाली इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे ये डायमेंशन जो है स्क्वायर होनी चाहिए, 1080x1080 होनी चाहिए, बट यहाँ पर ये वाली डायमेंशन, तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसको सेलेक्ट करने के बाद गाइस इन्हांसमेंट्स को हम लोग क्लोज कर देते हैं। यहाँ से कुछ एडिटिंग, बेसिक एडिटिंग के ऑप्शन यहाँ पर आपको इमेज लेवल पर मिलते हैं, तो वो ये ऑप्शंस हैं। फाइन, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लिया है इमेजेस को, राइट। उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हे डिजिटल मार्केटर्स आर यू स्ट्रगलिंग टू लर्न Facebook ads, right? Are you struggling to learn Google ads, right? You want to make your Google ads
profitable, right? Do you want to make your Facebook ads bring revenue? ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, right? Then please then opt for this course. Visit courses.wsqtech.com, right? ये हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, right? See you on the others, right? ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट होगा जो यहाँ पर हमें इमेजेस के ऊपर दिखता है. ये हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं यहाँ पर, right? उसके बाद हमारे पास हेडलाइंस होती है. यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फ्री कोर्सेज ऑन डिजिटल मार्केटिंग, राइट. यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होते हैं, राइट. ऑफर एक्सपायरिंग सून, ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ. फाइन, नीचे आते हैं हम लोग. एंड यहाँ पर वेबसाइट में हमें URL एंटर करना पड़ेगा कि किस वेबसाइट पे हम भेजना चाहते हैं. तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है. मान लेते हैं कि ये वाली हमारी वेबसाइट है, मैं एंटर कर देता हूँ. यहाँ पर बड़े सारे कोर्सेज हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक में हम लोगों ने बात करी थी वेबसाइट की, और इसको मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, राइट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको अलग अलग लोकेशंस में जो प्रीव्यू है वो प्रॉपरली आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी हैं, ठीक है. और ये लर्न मोर का जो बटन है, इसको टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो. तो मैं नो बटन, अगर बटन नहीं चाहिए तो हम नो बटन के ऊपर जा सकते हैं. हम सब्सक्राइब सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, सब्सक्राइब की अगर ज़रूरत है. अगर जो है हम कोई ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं तो गेट ऑफर, गेट कोट्स, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. नीचे वाली जो चीज़ें हैं ये ट्रैकिंग से रिलेटेड, इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, राइट. तो यहाँ पर बस अब आपका जो एक कैंपेन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. अगर आप और भी एड्स बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप डुप्लीकेट कर लो. जैसे मैंने इसको डुप्लीकेट किया, राइट. तो आप डुप्लीकेट कर सकते हो, ओरिजिनल कैंपेन के अंदर ही ये डुप्लीकेट हो जाएगा. और लेट्स से मैं केवल इस वाले, ये देखो ये इमेज वन थी, राइट. ये इमेज टू है, राइट. तो आई विल कम ऑन दिस इमेज टू, राइट. और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ इमेज टू. ये इमेज टू हो गई. अब बाकी सारी चीज़ें तो मुझे एड लेवल पर सेम ही रखनी है, बस मुझे क्या बदलना है, इमेज बदलनी है, राइट. तो मैं यहाँ पर वापस आऊँगा, एडिट के ऊपर जाऊँगा, चेंज मीडिया कर दूंगा. और यहाँ पर मैं अगर कोई दूसरी इमेज सेलेक्ट करना चाहता हूँ, लेट्स से ये इमेज सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा. नाउ आई हैव टू एड्स, ठीक है. मेरे दो एड्स क्रिएट हो गए हैं इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर, राइट. क्लियर हुई बात, समझ में आ रही है आपको? फाइन, कि इस वाले एड ग्रुप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने दो एड्स क्रिएट कर दिए हैं. अब जो भी फेसबुक का लगेगा, जो भी एड रिलेवेंट है ऑडियंस के, वो वाला एड उस ऑडियंस को दिखाया जाएगा. तो गाइज, इस टाइप से आप जो है अपना फर्स्ट कैंपेन सेट कर सकते हैं. और उसके बाद सिंपली आपको पब्लिश के ऊपर जाना है, एंड योर कैंपेन विल बिकम लाइव, राइट. बट उससे पहले ये रिव्यू में जाएगा, तो मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करता हूँ. इस चीज़ को भी मैं आपको दिखा देता हूँ. आप पब्लिश के ऊपर जाएंगे, राइट. पब्लिश के ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपका कैंपेन जो है वो प्रॉपरली सेटअप हो चुका है. बट आप देखेंगे कि जो आपकी इमेजेस वगैरह हैं वो रिव्यू वाले स्टेटस में होंगी. जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो ये रिव्यू वाले स्टेटस में है, ठीक है. ये इन ड्राफ्ट है, तो हम लोग इसको भी एडिट करके इसको भी पब्लिश कर देते हैं. वो पब्लिश नहीं हुई, मे बी हम लोगों ने केवल इसी को पब्लिश किया. अदरवाइज अगर हम कैंपेन लेवल पर जाकर पब्लिश करते तो सारी चीज़ें पब्लिश हो जाती हैं. अब आप देख रहे हो दोनों ही चीज़ें जो है वो रिव्यू में आ चुकी हैं, ठीक है. और ये कैंपेन भी पूरा रिव्यू में आ चुका है, राइट. जो हमने कैंपेन बनाया, दिस इज द कैंपेन. इस कैंपेन के अंदर हमारा ये वाला एड सेट है, और इसके अंदर हमारी ये दो इमेजेस हैं, और इनकी परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई देगी. कौन सी इमेज परफॉर्म कर रही है, कौन सी इमेज नहीं परफॉर्म कर रही. जो इमेज परफॉर्म करेगी उसके साथ हम फर्दर मूव कर जाएंगे, जो इमेज नहीं परफॉर्म करेगी उसको हम स्टॉप कर देंगे. तो गाइस, इस टाइप से ये सारी चीज़ें काम करती हैं, बट हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है. तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको पॉज कर दूंगा एक बार के लिए, ठीक है. और पॉज करने के बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा, बिकॉज ये केवल हम लोगों ने सीखने के पर्पज से बनाया हुआ था. तो मैं इसको गाइस कर देता हूँ यहाँ से डिलीट. तो गाइस, अगर आपको स्क्रैच से बेसिक कैंपेन सेटअप करने हैं तो आप इस टाइप से कर सकते हो. मैंने एक वॉक थ्रू दे दिया ताकि आगे जो मैं चीज़ें डिस्कस करूँ उनसे आप रिलेट कर पाओ. जो मैं बात करूंगा एड ग्रुप्स के बारे में, जब मैं बात करूंगा एड्स के बारे में, तो वो सारी चीज़ों से आप रिलेट कर पाऊँ चीज़ों को. दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय.